हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस। अब यहाँ पे जितने 6 to 9 तक आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपको सॉल्व करना है। देखो जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो जैसे बेटा आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था दो मेथड से, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले डी निकालते हैं और फिर एक्स की वैल्यू। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पर पहले हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन पार्ट यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको कैसे हटाएंगे, हम पूरी इक्वेशन को का एलसीएम ले लेते हैं 3 से। ठीक है, इन तीनों टर्म्स का हमने एलसीएम लिया, यू विल गेट 3। तो ऊपर आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा 9x² - 12x + 20 = 0। तो फाइनली आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो आ गई 9x². थोड़ा सा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, नहीं तो बच्चे जो है जो फ्रैक्शन अगर हम एज इट इज रखते हैं तो फ्रैक्शन में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पहले हमने इस फ्रैक्शन पार्ट को हटा लिया। वो कोई भी पोजिशन पे हो, चाहे इस पोजिशन पे, चाहे एक्स का कोफिशियंट हो, चाहे x² का, सबसे पहले उस फ्रैक्शन पार्ट को हटाकर नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। अब रिकॉल करो कि जब हम 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते थे तो उसमें स्मॉल a फाइंड आउट करते थे। स्मॉल a क्या होता था बेटा, कोफिशियंट ऑफ x² क्या होता था, कोफिशियंट ऑफ x². अब कोफिशियंट ऑफ x² क्या है, 9। b की वैल्यू क्या होती थी, कोफिशियंट ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ x क्या है, 12। अब बच्चे मैंने क्या बोला, 12, मैंने गलत बोला ना, क्यों, क्योंकि 12 नहीं है, -12 है, तो साइन को भी साथ में लेकर चलना है। तो कोफिशियंट ऑफ x इज -12 नॉट 12। गुड। नाउ सी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, दैट इज 20। सारी वैल्यू समझ में आ गई, याद आ गया। उसके बाद हम क्या निकालते थे, डी। डी क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, b² - 4ac। ठीक है, वो बी ए सी ये वाली वैल्यूज है, इनको रिप्लेस करेंगे, -12² - 4 × 9 × 20 विच इज इक्वल टू 144 - 720। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी, तभी तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं। नेगेटिव वैल्यू को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से अंडर रूट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा एक स्टेप अहेड है, रियल नंबर से हम आगे बढ़ गए हैं। उसमें हमारे पास क्या चीज आसान कर दी गई है कि आप नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 10th क्लास में छोड़ देते थे, हम यहाँ पर जब नेगेटिव वैल्यू आती थी तो हम क्या लिखते थे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। हम ये लिखते थे कि उसके रियल रूट्स नहीं है, बट उसके आपके पास क्या, कौन से रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट, जो कि अब आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो आपको वहां पर नहीं छोड़ना, आपको आगे इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास यहाँ पर माइनस करके क्या आ जाएगा, -576। नाउ इसके बाद क्या करना है बेटा, सीधा आपको एक्स का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपने फिर से 10th में सीखा था। फिर से चलो मैं बता देती हूँ, रिकॉल करते हैं, -b + -√d/2a। प्लस माइनस किसको इंडिकेट करता है, दो वैल्यूज को, हम बाद में इसको सेपरेट करेंगे। नाउ b की वैल्यू क्या है, -12। बी केयरफुल, जो भी वैल्यूज है उनको विद इन अ ब्रैकेट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, +√ −576/2a, मतलब 9। तो आपके पास क्या आ गया, 12 ±। अब देखो इसको हैंडल कैसे करना है, −1/18 =
576 का आपको पता ही है क्या होता है अंडर रूट, दैट इज 24, ठीक है। और माइनस आयोटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है, आयोटा होल अपॉन 18। अब देखो ऊपर से आप कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाल लिया ताकि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, पहली वैल्यू आ गई 6 + 12 आयोटा 19 एंड दूसरी वैल्यू आ गई 6 - 12 आयोटा 19। बस आपको यहीं पर छोड़ देना है क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, 6 आपका रेशनल नंबर है और 12 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आप ऐड नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज आर नॉट द लाइक टर्म्स, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। इसी तरीके से आप हम क्वेश्चन नंबर 7 अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 10th का फॉर्मूला है उसको रिकॉल कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि जो फर्दर हम 7, 8, 9 क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, एंजॉय करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।